बिल्कुल। और मध्य प्रदेश से खबर है कि बीजेपी दफ्तर में जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। भोपाल से बड़ी खबर, हारे हुए प्रत्याशियों को लेकर दरअसल समीक्षा बैठक प्रदेश बीजेपी कार्यालय में चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने इसे लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, हारी हुई सीटों पर वोट प्रतिशत बढ़ाना है, इसे लेकर चर्चा हुई है। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि मैं चुनाव लड़ना जानती हूँ, जितना भी हार के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। उन्होंने कहा कि जितनी जहां तक हार की बात है, अपनी हार की तरफ उन्होंने इशारा किया, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। इमरती देवी ये भी कहती हैं कांग्रेस के पास लोकसभा में सीटों की संख्या जो है एक भी नहीं रहेगी, और इनका दावा है कि कांग्रेस पूरी तरह से लूजर एंड पर खड़ी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीत कर सामने आएगी, ये दावा भी किया है। सुन लीजिए, इमरती देवी कुछ अलग मिजाज की नेता है, बोलती भी बड़ा अलग है, सुनिए। चुनाव रहे या चुनाव ना रहे, इस पार्टी में कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं। वर्तमान में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को पूरे देश में हार कर लेकर वो तो समीक्षा मीटिंग थी, जो हमारे आने वाले लोकसभा के चुनाव है उनके लिए बातचीत करी, उसकी चर्चा हुई। जैसे आपने जिन बूथों पे कम वोट मिले हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाएं, ये निर्देश है। अभी तो एक मिला था कांग्रेस पार्टी को, अब एक भी नहीं मिलेगा, पूरे के पूरे सांसद भारतीय जनता पार्टी के होंगे। चलिए, रंजना हमारी वरिष्ठ सहयोगी बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ सीधे जुड़ रही है। रंजना, किस तरह का मिजाज आपने देखा, सीधे बिना जैसे ही सरकार का गठन हुआ, कैबिनेट का गठन हुआ, बीजेपी फिर चुनाव के मोड पर आ गई, बात सिर्फ चुनाव, और यहां तक कि इमरती देवी भी दावा कर रही हैं, करना उनका अधिकार ही है और क्यों नहीं करेंगी, सीनियर लीडर हैं बीजेपी की। क्या क्या अपडेट है, किस तरह का मिजाज आपने बीजेपी कार्यालय में देखा अभी? जी शरद जी, बिल्कुल, अगर बीजेपी में तमाम जो कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, भले वो हार गए हैं, लेकिन अगर उनके मिजाज की बात करें तो पूरी तरह से उत्साहित और आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में पूरी ऊर्जा के साथ जुटने का जो संकल्प है वो यहां पर इन प्रत्याशियों में नजर आया है। हालांकि जो प्रत्याशी हारे हैं उन्होंने ये कहा है कि भले ही बहुत कम मार्जिन से वो हारे हैं, तो उस मार्जिन को अब लोकसभा चुनावों में कैसे और ज्यादा बढ़ाना है और जो बूथ पर जो वोट शेयर है जो कम हुआ था उसको कैसे इन हारी हुई सीटों पर बढ़ाना है, उसका संकल्प यहां पर लिया गया है। और लोकसभा चुनावों में इस बार 29 में से 29 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है उसका संकल्प आज सभी प्रत्याशियों ने लिया है, क्योंकि ये कहा गया है कि कांग्रेस के पास अभी सिर्फ एक लोकसभा सीट है लेकिन अब वो भी नहीं रहेगी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंट है प्रत्याशी, जो कार्यकर्ता है, वो यहां पर नजर आए हैं और अब वो सब एक कार्यकर्ता की तरह लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। और इसका मेन टारगेट बस यही है कि 51% हारी हुई सीटों पर जो वोट शेयर है वो बढ़ाने का लक्ष्य है और सभी 29 में से 29 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है वो इन सभी के सामने है। हालांकि एक और बात यहां पर बैठक में निकलकर सामने आई कि इन्होंने ये कहा है कि हार के लिए वो सभी खुद जिम्मेदार हैं और आगे अगर किसी तरह से कोई जिम्मेदारियां उनको मिलती है चुनाव को लेकर तो वो चुनाव लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। हालांकि अपनी गलतियों को लेकर वो अवलोकन जरूर करेंगे कि आखिर कहां क्या गलतियां हुई हैं। शरद जी जी, अगली खबर जा। बिल्कुल, और धन्यवाद रंजना। आगे बढ़ते हुए बात